हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ZBP कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दाना, ऐसा चिकन दाना जिसे आप खाने के बाद रेस्टोरेंट होटल का चिकन दाना भूल जाओगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसिपी। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया, इसको मैंने अच्छे से धोकर इस जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी सोख जाए। अब हम इसको एक बर्तन में डालकर उसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले भी हमें ऐड नहीं करना है, ये बहुत कम मसालों से और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैंने ज़्यादा सामग्री नहीं ली है। मैंने इसमें एक चम्मच बेसन लिया है, इसी चम्मच से हमें सारा मेजरमेंट लेना है। अब इसी चम्मच से मैं चिकन दाना मसाला लूँगी। ये मैंने 3 चम्मच चिकन दाना मसाला लिया है, यह हमें मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। ये पैकिंग भी और खुला भी दोनों तरह से ही मिल जाता है। ये मैंने खुला हुआ मसाला लिया है, आप पैकिंग भी ले सकते हैं। अब हम एक बर्तन में चिकन डाल लेंगे और उसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है, ये कम मसालों में ही बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने चिकन को एक बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच बेसन लिया था, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। चिकन दाना मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने 3 चम्मच चिकन दाना मसाला लिया था, हम ये सारा ही इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें दही डालेंगे। ये मैं इसी चम्मच से इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल दूँगी, आप इसमें कम ज़्यादा दही भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। ये मैंने छलनी से छानकर आधा नींबू का रस ले लिया है। इसमें हमें ना लाल मिर्च पाउडर डालना है, ना नमक डालना है, ना कोई मसाले डालने हैं, ना लहसुन प्याज का पेस्ट डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर डालूँगी। ये मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको चम्मच से मिला लूँगी, फिर हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और जब हम फ्राई करें तो अच्छे से फ्राई हो जाए। जब तक हमारे चिकन में मसाला सेट होता है तब उतनी देर में हम इसके लिए एक अच्छी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसके साथ एक हरी चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है जार के अंदर, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची लूँगी और इसको भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। इसी के साथ 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, ये 1/2 चम्मच सौंफ है, और 1 छोटी इलायची हरी वाली। इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और थोड़ा सा ये सूखा हुआ पुदीना लिया है, आप इसकी जगह ताज़ा पुदीना भी ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना लिया है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी कट करके डालेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आप इसे ज़रूर डालें और ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने इसमें अदरक को छोटा छोटा कट कर दिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्सर के जार को अच्छे से पानी से साफ करके इसमें चटनी के अंदर डाल देंगे। और इसी चटनी में हम 1 से 2 चम्मच दही और 1/2 नींबू का रस डालेंगे। इस चटनी को हमें ज़्यादा पतली नहीं करना है, वरना दही और नींबू डालने के बाद ये और पतली हो जाएगी, इसलिए इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसमें ये 2 चम्मच दही डाल देंगे और इसी के साथ हम 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे हम पकौड़ों के साथ और भी किसी भी फ्राई चीज़ों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारी चटनी तैयार है, अब हम चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है।
मैंने इसको 1 से 1.25 घंटा फ्रिज में रखा था। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप आपकी इच्छा अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें ये चिकन डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे, और जब इसका मसाला इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसे फुल आंच पर फ्राई करेंगे। और हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए, हमें इन्हें तेज़ तेज़ नहीं हिलाना वरना इनका मसाला निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो मैंने कितने धीरे धीरे से फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए धीरे धीरे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा ऐसे ही बाहर निकाल लूँगी, फिर दोबारा इसको वापस से फ्राई करूँगी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। उससे ये और क्रिस्पी और जूसी हो जाएंगे। आप चाहो तो इनको एक बार में ही फ्राई कर सकते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम थोड़ा सा और हाफ़ फ्राई कर लेते हैं। मैं हाफ़ फ्राई कर रही हूँ, इनको दोबारा से वापस अच्छे से फ्राई करूँगी। आप एक ही बार में इनको फ्राई कर सकते हैं, या आप भी इसी तरह से इनको फ्राई कर सकते हैं। इसको मैं वापस से इसमें डाल दूँगी। मैंने इसे हाफ ही फ्राई किया था, इससे ये और टेस्टी और जूसी क्रिस्पी हो जाएंगे। ये लगभग हमारा सारा चिकन दाना तैयार है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़कर दिखाऊंगी ये कितना जूसी और क्रिस्पी बना है। ये बहुत गर्म है, मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत जूसी है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप रेस्टोरेंट होटल सबका चिकन दाना भूल जाएंगे। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।